डॉक्टरगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजभूषण शरण के बेटे, जिनको बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। बहुत स्वागत है आपका। टिकट मिलने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया, इस वक्त मन में क्या चल रहा है? पिताजी का दायित्व मैं यहाँ पे संभालने के लिए मुझे जो पार्टी ने ये दायित्व सौंपा है, इसी के मैं कार्य करूंगा इसका। पिताजी चुनावी मैदान में उतरते तब ज्यादा बेहतर रहता, आसानी होती चुनाव जीतने में, या आपको लग रहा है कि पार्टी ने आपको मौका दिया है और आप पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले? हेलो 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 जी, आवाज मिल रही है आपको? बताए। जी मेरा सवाल ये है कि पिताजी चुनावी मैदान में उतरते तो ज्यादा बेहतर होता, या आपको पार्टी ने मौका दिया है, आपको लग रहा है कि आप पिताजी के मुकाबले इस बार ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे? नहीं देखिए, कैसे भी लोकसभा ये हमारा घर है और पिताजी का आशीर्वाद है और 35 साल से हमारे पिताजी यहाँ से सांसद रहे हैं, तो इसको हमारा घर जैसा माहौल है यहाँ पे। और रही बात की पिताजी की और मेरी, तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद लेके चुनाव लड़ रहा हूँ, और बाकी जनता का प्यार, बाकी इस पे फैसले का जो होगा। जी इसके लिए आपको शुभकामनाएं कि आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन क्या वजह रही कि जो पिताजी को इस बार चुनावी मैदान में न उतारकर पार्टी ने आपको उतारा? तो करण भूषण को सुन रहे थे आप, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उनको पार्टी ने मौका दिया है, कैसरगंज से चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल आखिरी समय तक सस्पेंस बरकरार था कि ब्रजभूषण का टिकट कंफर्म होगा या नहीं, पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतारेगी या नहीं। और आज सुबह सुबह सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आई कि बहुत संभव है कि ब्रजभूषण के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जाए, और अब से थोड़ी देर पहले पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें उनका नाम अनाउंस किया गया। मतलब ये कि अब करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में है कैसरगंज से, उनके सामने चुनौती होगी पिताजी के प्रदर्शन को दोहराने की, कैसरगंज पर एक बार फिर से कमल खिलाने की। ब्रजभूषण के मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्षी दल हमलावर थे, लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, ऐसे में संकेत इस बात के मिल रहे थे कि बहुत संभव है कि इस बार पार्टी उनको चुनावी मैदान में न उतारे। हालांकि बार बार उनकी तरफ से बयान सामने आ रहा था कि कौन है जो मेरा टिकट काट सकता है, कैसरगंज से मैं प्रत्याशी रहा हूं, मैं यहां से सांसद हूं, एक बार फिर से पार्टी मुझे ही मौका देगी, मैं यहां से चुनावी मैदान में उतरूंगा। लेकिन आज जब बीजेपी की लिस्ट आई तो उस लिस्ट में उनका नाम गायब था और ब्रजभूषण की जगह पर उनके बेटे करण भूषण का नाम था, और इसके साथ ही कंफर्म हो गया कि इस बार ब्रजभूषण चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। कई बार से वो लगातार उस सीट से जीतते आए हैं, सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से तमाम एथलीट्स के साथ विवाद की तमाम बातें सामने आई, कुश्ती एसोसिएशन के साथ चूंकि एक लंबा विवाद चला, वो उसके अध्यक्ष रहा करते थे, उसके बाद से ये प्रबल संभावना थी कि इस बार उनका टिकट कट जाए, और वही हुआ, उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। करण भूषण ने क्या कहा है न्यूज 18 से बातचीत करते हुए हम आपको बताएंगे, लेकिन जो हम आपको बता रहे थे कि परिस्थितियां क्या बनी, क्या परिस्थितियां रही जिनकी वजह से ब्रजभूषण को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। पहली बात तो कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष थे और कुश्ती के तमाम खिलाड़ियों की तरफ से जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए, यौन शोषण के आरोप लगाए गए, मामला कोर्ट में है अभी भी, उस मामले में केस आगे बढ़ रहा है। इन सब के बीच ये चर्चा चल रही थी कि चूंकि विवाद बहुत लंबा खिंच गया और ब्रजभूषण को लेकर पार्टी एक असहज स्थिति में है, बीजेपी के लिए जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे थे कि इस बार उनका टिकट कट जाएगा, परिवार से किसी न किसी को टिकट दिया जाएगा। वही हुआ, आज जब लिस्ट सामने आई तो ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया गया, उनके नाम का अनाउंसमेंट किया गया। क्या कहा गया उनकी तरफ से टिकट मिलने के बाद वो सुन ले। और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कैसे जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आगे देखते हैं, अब मैदान में है, अब आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा जाएगा। हाँ, अभी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, मैदान में हूँ, ये भाजपा ने हमें उम्मीदवार बनाया, मौका दिया, मैं इसका बहुत बहुत आभार हूँ। आपको भाजपा ने बड़ा मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे?
आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया, क्या कहना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता को जय श्री राम। ठीक है भैया, ठीक है भैया, नामांकन नामांकन कल करेंगे।